दवाइयां हमारे लिए बहुत जरूरी है, बट मान लीजिए अगर आपने गलती से अनजाने में नकली दवाइयां या फिर एक्सपायर्ड दवाइयां ले ली तो उसके बहुत नुकसान है। उसकी वजह से हमारा इलाज समय पर नहीं हो पाएगा और हमें कई सारे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। बट इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि मैं इस वीडियो में 10 ऐसी ट्रिक्स लेकर आया हूँ जिनसे आप नकली दवाइयां लेने से बच सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर निरूप जो कि एक बहुत ही फेमस फार्मेलॉजिस्ट हैं, उनके द्वारा एक रिसर्च की गई ये पता लगाने के लिए कि दो दवाइयां जो सेम काम के लिए बनी हैं, अलग अलग ब्रांड्स के द्वारा क्या सेम असर करेंगी। रिसर्च में पता चला नहीं। मान लीजिए आप दवाई ए केमिस्ट पे लेने गए और केमिस्ट ने आपको दवाई बी दे दी कहकर कि ये भी सेम काम करेगी और आपने भी वो दवाई ले ली क्योंकि वो सस्ती मिल रही थी। बट आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो दवाई सेम असर नहीं करेगी क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो दवाई नकली हो। स्टडी में यहाँ तक पता लगा है कि अगर असली दवाई 80-90% काम करेगी तो नकली दवाइयाँ 30-40% तक ही काम करेंगी। और मार्केट में कई ऐसी नकली दवाइयाँ भी हैं जो बिल्कुल ही काम न करें, उनकी वजह से आपका फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। इस वीडियो में बताई गई ट्रिक्स को ध्यान में रखें और नकली दवाइयों से बचें। पहली ट्रिक, चेक द पैकेजिंग। दवाई लेते समय हमें उसके पैकेज को ढंग से चेक करना चाहिए, उस पे सेम तरह के कलर्स, सेम तरह के फॉन्ट्स और कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें से कुछ भी है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो दवाई नकली है। दूसरी ट्रिक, नो ब्रेकेज इन द सील। आप कोई भी दवाई लें तो उसके पैकेज को, उसके बॉक्स को ढंग से चेक करें कि उसकी सील पे कोई डैमेज ना हो, उसके पैकेज पे कोई डैमेज ना हो। तीसरी ट्रिक, चेक द फॉर्म ऑफ द टैबलेट। अगर एक दवाई आप पहले से खाते आ रहे हैं तो उसको ढंग से चेक करें हर बारी लाने पर। अगर अचानक से उस दवाई के साइज में, कलर में, उसकी डेंसिटी में कुछ अजीब सा चेंज होता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार आप नकली दवाई लेके आ गए। चौथी ट्रिक, चेक द फिजिकल एट्रीब्यूट्स। अगर आप टैबलेट्स की एक बॉटल लेके आए तो उस बॉटल में नीचे ढंग से चेक कीजिए कि बहुत ज्यादा चूरा ना हो, दवाइयां टूटी हुई ना हो। अगर आप पैकेट भी लेके आए हैं तो पैकेट में भी चेक कीजिए कि दवाइयां चूरी ना हो या फिर टूटी हुई ना हो। सही हालत में अगर हो दवाई तभी वो असली दवाई है। पांचवी ट्रिक, एलर्जीज और अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स। दवाई लेने से अचानक आपको कोई एलर्जी या फिर साइड इफेक्ट्स हो जिनके लिए आपके डॉक्टर्स ने आपको वार्न नहीं किया था तो वो नकली दवाई हो सकती है। इस केस में सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। छठी ट्रिक, चेक प्राइस। अगर आपको कोई दवाई अचानक से एक जगह पर सस्ती मिले तो वो नकली दवाई हो सकती है। आप उसके प्राइस को वेरीफाई करें उस ब्रांड की वेबसाइट पर। सातवीं ट्रिक, वेरीफाई मेडिसिन बाय SMS और ऑनलाइन। दवाई असली है या फिर नकली आप ये ऑनलाइन या फिर SMS से भी चेक कर सकते हैं, उस ब्रांड की वेबसाइट पर या फिर हर पैकेज के पीछे एक ब्रांड का ईमेल या फिर प्रोसीजर लिखा होता है जिन प्रोसीजर से आप उस दवाई की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। आठवीं ट्रिक, चेक वेंडर्स। आप हमेशा दवाइयां एक ट्रस्टेबल केमिस्ट स्टोर से ही लें जिनके पास प्रॉपर लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट्स हो और जो उस जगह पर काफी सालों से हो, या फिर आप बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन जिनसे आप घर बैठे दवाइयां ले सकते हैं, उनसे आपको नकली दवाइयां नहीं मिलेंगी। नौवी ट्रिक, चेक डिटेल्स। आप हमेशा दवाई के पैकेज पर और दवाई के बॉक्स पर दी गई डिटेल्स को मैच कीजिए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, लॉट नंबर, बैच नंबर, ये सारी चीजें दोनों चीजों पर सेम होनी चाहिए। अगर वो अलग है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो नकली दवाई है। दसवीं ट्रिक, चेक मैन्युफैक्चरर्स एड्रेस। आप दवाइयों की डिटेल्स में मैन्युफैक्चरर का एड्रेस हमेशा चेक करें। अगर एक वो प्रॉपर एड्रेस हो तो वो दवाइयां असली है। अगर सिर्फ कंट्री या सिर्फ एक स्टेट का नाम लिखा है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो एक नकली दवाइयां है। इन सभी बातों का ध्यान रखें और नकली दवाइयां लेने से बचें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।